हेलो दोस्तों, मैं राजू डाबी आज के वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों कि ये विंडो आपको दिख रही होगी जो रूम के अंदर दी गई है। तो दोस्तों आपसे सभी और अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको साफ साफ दिखेगा, क्योंकि ये विंडो की जो तार है वो साहुल में कैसे बांधे और लेवल में कैसे बांधे, मतलब कि ये तार कैसे बनाए, वो सब कुछ नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों। और उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी पता चलेगा दोस्तों कि मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे साहुल में कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही है, हम रूम के अंदर प्लास्टर कर रहे होते तो अंधेरा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आपको साफ साफ दिखेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो मसाला छापना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप घोला लगाते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ घोला नहीं लगाते, सिर्फ आरसीसी में ही लगाते हैं, दीवार पे नहीं लगाते। तो सीधा मसाला हम छापेंगे इस तरह है, और गीला मसाला रखेंगे हम। और आप घोला लगाते हो तो आपकी तरह से आप मसाला रख सकते हैं। और दोस्तों अंदर की फेस हमारा सब कुछ प्लास्टर हो चुका है, एकदम फंटी में और साहुल में हो चुका है, अब सिर्फ ये विंडो की फ्रेम ही बची है। तो दोस्तों उसमें मैं धार कैसे बना तो आप देखिए, पहले मसाला छाप लेना है ऐसे। तो दोस्तों आपको इस तरह से मसाला छाप के इस तरह से रूसा चला लेना है दोस्तों, और हमारी ऑलरेडी उस तरफ से धार बंधी हुई है, जो वो प्लास्टर हमारा है उस अंदर से हमें मिला लेना है, जॉइंट मिला लेना है। हमारा जॉइंट जो आता है वो प्लास्टर में आपको करनी से अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद आपको फिनिशिंग कर लेना है रूसे से। आप देखिए जो हमारी धार उधर बंधी हुई है उस लेवल आपको प्लास्टर कर लेना है इस ओर फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों एक तरफ हमने फिनिशिंग कर लिया है, आप देखिए वही प्रोसेस हम साइड वाली में करेंगे, अब इस वाली पर वही प्रोसेस करेंगे। तो चलो वो भी हम कर लेते हैं, फिनिशिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने उस साइड भी प्लास्टर भी कर दिया फिनिशिंग के साथ, और जॉइंट भी अच्छे से मिला लिया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, ये धार आपको दिख रही है अभी भी खड्डे दिख रहे हैं, दोनों ओर से प्लास्टर हो गया है हमारा, फिर भी धार में थोड़े बहुत खड्डे हैं। तो हमें अब क्या करना है, फिर से एक बार मसाला छाप लेना है वो धार पर, देखिए जैसे मैंने छापा है उस तरीके से, वैसे ही वैसे आपको भी छाप लेना है। देखिए खड्डे कम कर देने हैं दोस्तों, इस तरह से खड्डे कम हो जाएंगे तो आपकी धार आसानी से बंध भी जाएगी। तो दोस्तों फिर अब हम क्या करेंगे, फंटी ले लेंगे, फंटी को रख के साहुल चेक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको साहुल चेक करना है। पहले दोस्तों देखिए हमने खड्डे कम कर दिए है पूरी धार में, अब देखिए उधर भी हमने साहुल में ही धार बनाई है, उस लेवल हमने प्लास्टर करके, फिर भी हम क्या है ना साहुल चेक कर रहे हैं। देखिए नज़दीक से पूरा कंप्लीट है साहुल दोस्तों, 9 इंच दीवार होती है ना उसमें आप सीधा मिला ले तो भी चलेगा, ये 14 इंच है। देखिए दोस्तों साहुल तभी होगा हमारा, जो साहुल फिरेगा वो भी थोड़ी सी जगह छोड़ के तभी आपका साहुल सही है, मतलब कि माइनर जगह रहनी चाहिए। तो चलो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें साहुल कर लिया है ऐसे कंप्लीट, और फिर हमको इस तरह से मसाला छाप के धार को बांध लेना है, मसाला छीप लेना है ऐसे ऐसे करके, पूरी धार पे आपको मसाला लगा देना है इस तरह से। ये धार आप बांधे ना वो मसाला आप थोड़ा हार्ड रख सकते हैं दोस्तों, मैंने हार्ड रखा है थोड़ा,
क्या है ना, आपकी धार फट से बन जाए इसलिए। और फिर दोस्तों मैं तो ऐसे करनी ही से ही मसाले को काट कर सही कर लेता हूँ, आप रूसा भी चला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पूरी धार पे मसाला लगा लिया है और करनी से सही भी कर दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो रूसा भी आप चला सकते हैं। और वो भी फंटी के आधार से आपको सभी मसाला काट ही लेना है, अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है और आपकी धार कंप्लीट हो गई। देखिए दोस्तों इस तरह से धार आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस वाली धार को हम बांध लेंगे। पर दोस्तों वो धार बांधने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये पट्टी फंटी जो है हमारी वो पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये देखिए धार तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी है। अब हम इसके और रूसे से बांध लेंगे पहले इस साइड से। देखिए कोई हमारे पास फंटी पकड़ने के लिए नहीं है, तो आपको इस तरह से पहले रूसे से धार को बांध लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको धार को टेका देनी है रूसे से, फिर फंटी लेके इस तरह से काट लेनी है, जो हमारा पहले से ऑलरेडी सीधा प्लास्टर हमने कर रखा है। तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फंटी रख के साहुल चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। दोस्तों ये साहुल सही ही होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उधर की धार जो बांधी है वो साहुल में ही बांधी है, तो उनसे हमने प्लास्टर मिला के ही किया है। तो दोस्तों फिर भी हमें चेक कर लेना है। तो दोस्तों हम चेक कर रहे हैं, देखिए अब एग्जैक्ट कंप्लीट है, हमारा साहुल फिर भी रहा है। दोस्तों ये साहुल आपका ऐसे फिरना चाहिए, उतनी जगह जितना हमारा बाल होता है माथे पर उतनी जगह रहनी चाहिए, तभी आपका साहुल सही है। देखिए दोस्तों कंप्लीट साहुल है, दोनों ओर धार हमने साहुल में बांध ली है ऑलरेडी। अब नीचे की धार बची है, और ऊपर की तो हम ऑलरेडी बांध के ही आए हैं, वो ऊपर हम पालक जो हमारा होता है ना, ऊपर छत की है हमने प्लास्टर, वो सभी करते आए हैं नीचे तक, वो तो साथ में ऊपर की धार हमने बांध ली है। अब दोस्तों नीचे वाली की बारी है, चलो वो बांध लेते हैं। तो दोस्तों उसमें भी हमें लेवल चेक करना है, पहले फंटी को आप एकदम साफ करिए, फिर आप लेवल चेक करें। तो दोस्तों चलो लेवल चेक कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से लेवल चेक करके फंटी को पकड़ लेना है। देखिए दोस्तों हमारा लेवल कंप्लीट है, दिख रहा होगा आपको। तो चलो लेवल चेक हो गया, मसाला बिछा लेते हैं। इस तरह से मसाला बिछा लेना है। दोस्तों आपके पास हेल्पर हो तो फंटी आप पकड़ा भी सकते हैं, हमारे पास नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, और हम तो ज़्यादातर अकेले ही फंटी पकड़ के काम किया करते हैं। आपके पास हो तो आप पकड़ा सकते हैं फंटी को। तो चलो इस तरह से मसाला बिछा लेना है पूरा। तो दोस्तों इस तरह से आपको मसाला बिछा के अब रूसा चला लेना है, वो भी फंटी के आधार से। आपको अच्छे से मसाला ज़्यादा जो है चढ़ाया होता है उसे काट लेना है फंटी लेवल, और बड़े अच्छे से रूसा चलाना है। आप मान लो कि इधर से रूसा घुमाते हैं तो उस तरफ भी घूमेगा उधर तक, तो उधर तक भी हमारा फंटी में ही रहना चाहिए प्लास्टर। उस अंदाज से आपको मसाला जो हमने बिछाया था वो हमारी फंटी लेवल आपको काट लेना है घुमाते घुमाते रूसा। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको मसाले को काट लेना है और फिनिशिंग कर लेना है रूसे से। क्या है ना कि उधर तक हमारा रूसा घूमेगा तो उधर भी हमारी धार लेवल में और फंटी में ही रहनी चाहिए। और फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारी धार बन चुकी है, पर क्या है ना मसाला हमने चढ़ाया तो शायद हमारे इस तरफ थोड़े बहुत खड्डे रहे हैं, वो भर देंगे हम।
कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम खड्डे भर देंगे दोस्तों। का तार आपकी गीली है तो सूखा मूखा मसाला से जैसे मैं भर रहा हूँ उस तरह से भर देने हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि नीचे वाली धार में मैंने सूखा मूखा मसाला लगा के खड्डे फिनिशिंग कर लिए है। ऑलरेडी कंप्लीट तीनों धार बांध ली है हमने, बना ली है। और दोस्तों ऊपर वाली भी हमने ऑलरेडी लेवल देखकर ही बांध ली है, पर वो ऊपर से हम करते आ रहे थे तो उधर में बन गई है धार, उधर से ही बांध ली थी। पालक ऊपर से हमने काम किया तभी। तो दोस्तों ये सभी फेस हमने साहुल में किए साइड वाली और नीचे वाली एकदम लेवल में। तो दोस्तों ये परफेक्ट काट खूने में है हमारी धारें, मतलब गुनिये में, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं वो गुनिये में है पूरा। ये हमारी विंडोज गुनिये में बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से बनाई जाती है धार। कोई भी नया मिस्त्री हो तो दोस्तों यह तरीका ज़रूर अपनाएं, आपकी धार फट से बन जाएगी। और फंटी पकड़ने वाला कोई भी ना हो तो भी इस तरह से आप बना सकते हो धार को। तो दोस्तों यही सही तरीका है जो धार हमें लेवल में और साहुल में बनाने का। और दोस्तों विंडो हमारी कंप्लीट काट खुनिये में है और गुनिये में बनाने का यही सही तरीका है दोस्तों। तो ये तरीका कैसा लगा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो आगे तक शेयर करें दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और अभी भी हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी नॉलेज भरा वीडियो हमारे आप देख पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।